तो इस समय पर काफ़ी किसान भाइयों की बैंगन की हार्वेस्टिंग हो रही है, यानी कि जो बैंगन की हार्वेस्टिंग हो रही है तो अच्छा खासा रेट भी मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इस समय पर सबसे बड़ी समस्या जो किसान भाइयों को देखने को मिल रही है वो मिल रही है तना छेदक और फल छेदक की। वो काफ़ी सारे दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं पर उन्हें कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे जो है अच्छे से अच्छे कीटनाशक कौन से स्प्रे करवा सकते हैं जिससे कि शानदार तरीके से रिजल्ट देखने को मिले, अधिक से अधिक साथियों फल फूल का उत्पादन हो, इसके साथ साथ साथियों तना छेदक जैसी खतरनाक बीमारी उनके खेतों से खत्म हो जाए। तो इसके लिए हम आपको दो कीटनाशक लाएँ जो कि आप देख सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे साथियों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथियों अच्छी तरीके से वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको भी जानकारी हो सके और आपके बैंगन की फसल में भी तना छेदक जैसी खतरनाक बीमारी भी न लगे। तो साथियों इसमें जो हमने दो इंसेक्टिसाइड लिए इसमें सबसे पहले हमारा जो है ये कोराजन आता है। कोराजन में बात करें तो आपको क्रोएंटन एरिकोल 18.5% एसिड फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये जो कोराजन साथियों ये हमारी कुछ इस प्रकार से अब नई पैकिंग आने लगी है, आप इस तरीके से देख सकते हैं कुछ। ये जो है 10 ml की पैकिंग है जो कि FMC कंपनी द्वारा कोराजन बनाती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो ये तो कंपनी क्लेम करती है 2 टंकी के लिए, पर आप इसे 15 लीटर वाले पंप में सिंगल उपयोग करेंगे, एक यानी 10 ml प्रति 15 लीटर पंप उपयोग करेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ साथियों आप सिलिकॉन स्टिकर भी मिक्स कर सकते हैं। यदि आप इसको उपयोग करेंगे अपने बैंगन की फसल में तो 8 से 10 दिन तक आपकी बैंगन की फसल में जो अच्छे तरीके से टॉप बोरर और शूट बोरर जैसी खतरनाक बीमारी को ये कंट्रोल करके रखेगा। क्योंकि इस समय पर साथियों रिजल्ट टाइम थोड़ा कम चल रहा है बारिश के मौसम की वजह से, तो 8 से 10 दिन तक आपको ये निकाल देगा और बैंगन में तना छेदक और फल छेदक जैसी खतरनाक बीमारी बिल्कुल भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। और जब भी आप कोराजन को स्प्रे करें साथियों तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आप जो है बैंगन के जो तने होते हैं कटे हुए जिसमें सुंडियाँ लगी हुई थी उसको निकाल करके अच्छे से खेत से सफाई करके फेंक दें और तब इसका स्प्रे करें। इसका स्प्रे सुबह या शाम के समय करें तभी अच्छा रहेगा। और किसी भी टॉनिक के साथ या फिर फंगिसाइड्स के साथ इसका स्प्रे ना करें, सिंगल उपयोग करें तभी आपको बेस्ट रिजल्ट यह निकाल करके देगा। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो मार्केट में आसानी से आपको 160 से 170 रुपये तक का देखने को मिल जाएगा। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, इसे लोकल बहुत आता है तभी किसान वर्ग शिकायत रहती काम नहीं करते, तो आप अच्छी ओरिजिनली विश्वसनीय दुकान से लें तभी आपको अच्छा ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा और अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। कोराजन साथियों लगातार आपको उपयोग करना नहीं है, 2 बार सिर्फ उपयोग कीजिए, फिर बदल करके दूसरी पेस्टिसाइड्स का उपयोग कीजिए, फिर उसके बाद बदलिए। नहीं तो लगातार आप कोराजन की स्प्रे करेंगे तो आपकी बैंगन की फसल पीली भी पड़ सकती है, फल फूल कम हो सकता है या फिर वायरस जैसी खतरनाक बीमारी भी आ सकती है बार बार उपयोग करने से एक पेस्टिसाइड। तो आप जो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमेशा बदल बदल करके इस पेस्ट जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका स्प्रे करते रहिए। इसके बाद साथियों जो हमारा अगला कीटनाशक है वो तो आपको जाना माना कीटनाशक है, इसका नाम है डेलीगेट जो कि अब नई पैकिंग में आने लगा है, जैसे अब कॉर्टिवा ब्रांडिंग कर रही है। अगर इसके साथियों हम टेक्निकल की बात करें तो स्पाइनोटोरम 11.7% SC के फॉर्म में आता है। डेलीगेट की पैकिंग कुछ इस तरीके से अब आ रही है जिसको आप देख सकते हैं, या टॉप बोरर के साथ साथ शूट बोरर हो गया। इसी के साथ साथ साथियों जो हमारा थ्रिप्स जैसी खतरनाक बीमारी या कोई अन्य रसचूसक बीमारी है उसको भी ये कंट्रोल करके रखता है, यानी कि जो हमारा तना छेदक फल छेदक इसके साथ साथ रसचूसक कीटों को बहुत ही बेहतर तरीके से कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ ये जिस फसल में आप इसका छिड़काव करेंगे तो यह उस पर बुरा प्रभाव नहीं छोड़ती है, उसमें फाइटोटॉनिक इफेक्ट छोड़ती है जिससे कि फल फूल का उत्पादन और अधिक से अधिक होता है साथियों, फसल हमारी हरी भरी रहती है। तो डेलीगेट की अब डोज की बात करें तो 20 ml प्रति 15 लीटर पंप यदि आप डेलीगेट को उपयोग करते हैं अपनी बैंगन फसल में तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल करके देगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहेगा साथियों, अधिक से अधिक फल फूल आपकी फसल में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के तना छेदक और फल छेदक की भी खतरनाक बीमारी भी देखने को नहीं मिलेगी, जिससे कि आपकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो फ्रेश हार्वेस्टिंग होगी वेजिटेबल्स की। इसके साथ साथ मंडी भाव भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा तना छेदक फल छेदक है सबसे खतरनाक बीमारी इसी के कारण बैंगन की हमारी हार्वेस्टिंग नहीं होती होती है तो बहुत वेस्ट फिर निकल जाते हैं उसमें। तो आप डेलीगेट का स्प्रे करके साथियों रिजल्ट टाइम की बात करें तो 12 से 15 दिन तक आसानी से बैंगन की फसल से तना छेदक और फल छेदक से आराम पा सकते हैं। तो साथियों ये दो कीटनाशकों का अगर कोराजन की बात करें तो 10 ml प्रति 15 लीटर पंप उपयोग कर सकते हैं, इसकी प्राइस 160 रुपये है। और डेलीगेट की बात करें तो 20 ml प्रति 15 लीटर पंप उपयोग कर सकते हैं, इसकी प्राइस जो है आपको आसानी से मार्केट में 1200 रुपये तक मिल जाएगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा साथियों, आप जो है इन दोनों में से कोई सा भी स्प्रे करके बैंगन की फसल से तना छेदक और फल छेदक से आराम पा सकते हैं ये खतरनाक बीमारियों से। तो साथियों यदि आप बैंगन की खेती करें तो इन दोनों पेस्टिसाइड को आप स्प्रे कर सकते हैं, और दूसरे किसान भाई यदि आपके पहचान में बैंगन की खेती करें तो उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।